नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। आज हम आपके साथ जो आलेख साझा करने जा रहे हैं वो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का लिखा हुआ है, जिनका आज सुबह ही निधन हो गया है। और रेडियो हिंदुस्तान की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह आलेख आपसे साझा कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है मिलावटखोरों को सजा ऐसी हो। हमारी दो दवा निर्माता कंपनियों के कारनामों से सारी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। इस बदनामी से भी ज़्यादा दर्दनाक बात यह है कि इन दोनों कंपनियों मेड इन फार्मा और मेड इन बायोटेक की दवाइयों से गाम्बिया में 60 बच्चों और उज्बेकिस्तान में 16 बच्चों की मौत हो गई। जब पहले पहल ये खबरें मैंने अखबारों में देखी तो मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि भारत से अरबों रुपए की दवाइयों का जो निर्यात हर साल होता है उस पर इन घटनाओं का काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। भारत की प्रामाणिक दवाइयों पर भी विदेशियों के मन में संदेह पैदा हो जाएगा। हमारी दवाएं अमेरिका और यूरोप की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं। मुझे ये भी लगा कि इस मामले ने यदि तूल पकड़ लिया तो एशिया और अफ्रीका के जिन गरीब मरीजों की सेवा इन दवाइयों से होती है अब वे वंचित हो जाएंगे। हो सकता है कि गाम्बिया और उज्बेकिस्तान के उन बच्चों की मौत का कारण कुछ और रहा हो। लगभग 2 माह पहले जब ये खबरें आई तो यह भी अपुष्ट सूत्रों ने कहा कि इन दवाइयों के नमूनों की जांच यही की गई है और वे ठीक पाई गई हैं, लेकिन इन देशों के जांचकर्ताओं ने अब जांच पूरी होने पर कहा है कि इन दवाइयों में कुछ नकली और हानिकारक तरलों को मिला देने के कारण ही ये जानलेवा बन गई थी। इस निष्कर्ष की पुष्टि अब एक अमेरिका की एक जांच कंपनी ने भी कर दी है। भारत सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ पुलिस में रपट लिखवा दी है और उनके कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन दोनों कंपनियों के मालिक और वरिष्ठ प्रबंधक फरार हैं। यदि उनको विश्वास है कि उनकी दवाइयों में कोई मिलावट नहीं की गई है तो उन्हें डरने की जरूरत क्या है। यह भी हो सकता है कि मालिकों और मैनेजरों की जानकारी के बिना भी मिलावट की गई होगी। यदि ऐसा है तो उन कर्मचारियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए और यदि मालिक और प्रबंधक भी इस जानलेवा मिलावटखोरी के लिए जिम्मेदार हैं तो उनकी सजा तो और भी सख्त होनी चाहिए। इन लोगों पर 10-20 लाख या करोड़ रुपए का जुर्माना बेमतलब होगा। इन सबको 76 बच्चों की सामूहिक हत्या का जिम्मेदार मानकर इनकी सजा भी इतनी भयंकर होनी चाहिए कि भावी मिलावटखोरों की नींद हराम हो जाए। यह सजा जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिए ताकि आम लोगों को पता चले कि किस कुकर्म के लिए उन्हें दंडित किया गया है। उन्हें जेल के बंद दरवाजों के पीछे नहीं चौराहों पर लटकाया जाना चाहिए और हर टीवी चैनल पर उसका जीवन प्रसारण किया जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि देश में किसी भी तरह के मिलावटखोर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे थे वेद प्रताप वैदिक जी, बिल्कुल खरा खरा सत्य बोलते थे। तो हम सभी रेडियो हिंदुस्तान के सदस्यों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद, वंदे मातरम।